हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम मुकुट वाले गणपति जी बना के दिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर फ्रेंड। तो हमने ये स्केलेटन बना लिया है कुछ इस तरीके से। अब हम इसको पूरा कवर कर देंगे मिट्टी से। पहले हमें पूरा मिट्टी इसको ऊपर पूरी कवर कर देनी है, कुछ इस तरीके से लगा देनी है फ्रेंड। चलिए पूरा कवर कर लेते हैं। दो बॉल बना के उसको चपटा करके इस तरीके से लगा देना है, चेस्ट बना देना है, कुछ इस तरीके से शेप दे देना है, अच्छे तरीके से चिपका देना है उसको। तो ये हमारा जो है चेस्ट बन के तैयार हो चुका है। अच्छे तरीके से इसको किले को फिनिश कर देना है अपनी हाथ की उंगलियों से। पैर बना रहे हैं कुछ इस तरीके से, स्टिक लगा देनी है। अब हम पैर बनाएंगे। लंबी लंबी कॉइल बना के कुछ इस तरीके से उंगलियां बना देनी है पैरों की। तो ये हमारे जो है लेग बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम फेस बनाएंगे फ्रेंड। तो इस तरीके से मिट्टी चढ़ा देनी है, कुछ इस तरीके से गोला बना के अच्छे तरीके से दबा देना है कुछ इस तरीके से। हमारा गोला बन के तैयार हो चुका है कुछ इस तरीके से। दो उंगली लगा के बीच सेंटर में गड्ढा करके कुछ इस तरीके से शेप दे देना है इस तरीके से। और जो बीच में है वो सूंड लगी फ्रेंड्स, तो हमें स्टिक लगा देना है उसमें, वायर लगा के इस तरीके से। ये जो हमारा माउथ बन गया है और गाल बन चुके हैं, अच्छे तरीके से दबा देना है इसको। और अब हम बनाने वाले हैं सूंड। बहुत ही क्यूट से गणेश जी बना रहे हैं हम। तो गाल अच्छे तरीके से थोड़ी मिट्टी लगा देनी है गालों में, अच्छे तरीके से चिकना कर देना है फेस को। तो ये एक तरफी से चिकना हो गया। अब हम दूसरी तरफी से मिट्टी लगा के चिकना कर रहे हैं। तो ये अच्छे तरीके से चिकना कर लेना है फ्रेंड, पानी लगा के। और शेप देखना है दोनों एक जैसे रहे, शेप दोनों गालों का जो है शेप एक जैसे रहे, तो उसका भी ध्यान देना है हमें। और हमें अच्छे तरीके से चिकना कर देना है। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए फ्रेंड हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स। बहुत
बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। तो ये हमने वायर लगा दिया है, अब हम लंबी सी कॉइल बना के इस तरीके से लगा देना है। ये हमने लंबी सी कॉइल बना के ये सूंड बना दी है, अब हम इसको शेप दे देंगे फ्रेंड, किसी भी शेप दे सकते हो फ्रेंड्स। ये हमने इस तरीके का शेप दे दिया है, सूंड को घुमा दिया है फ्रेंड्स। आप चाहे तो सीधी भी रख सकते हैं, आप जैसा चाहे वैसे लगा सकते हैं फ्रेंड्स, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमने इस तरीके से अच्छे तरीके से चिकना कर दिया है, अच्छे से जॉइंट कर लेना है सूंड को, लिख लेना फ्रेंड्स। तो ये हमने ऊपर की तरफ भी थोड़ी सी मिट्टी लगा दी है कि ये जो सूंड रहे जो हमारी वो चिपकी रहे, अच्छे तरीके से शेप दे दिया है हमने फेस का। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा फेस का शेप आया है, तो देखिए फ्रेंड्स। एक बॉल बना के उसको चपटा कर लेना है फ्रेंड्स, और ये इस तरीके से उसको बीच से काट लेना है। तो ये जो हमारा कैंची से हमने इसको काट लिया है, और अब हम इसको अच्छे से शेप दे देंगे, हल्का सा पानी लगा के इसको शेप दे देना है कुछ इस तरीके से। अब हम इसको ऐड कर देंगे, वायर लगा देना है और इसको चिपका देना है कुछ इस तरीके से, जो हमारे गणपति जी के जो कान हैं वो बन के तैयार हो जाएगी फ्रेंड। इसी तरीके से दूसरे साइड भी लगा देना है, ये हमने दूसरे साइड भी लगा दिए हैं। अब हम वायर लगा के दांत बना देना है। अगर अभी तक आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं फ्रेंड, तो आप बहुत कुछ सीखे हैं फ्रेंड्स इस वीडियो से, और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आगे भी इस वीडियो को ऐसे ही देखते रहे फ्रेंड, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फ्रेंड्स। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स प्लीज़। तो फ्रेंड प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है फ्रेंड, प्लीज़ आप गणपति जी के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।
तो ये है, दोनों अपन ने हैंड बना दी है फ्रेंड, कुछ इस तरीके से अच्छे से चिकना कर देना, अच्छे से शेप दे देना है फ्रेंड। तो हैंड बनाने की भी वीडियो मैं अलग से लेके आऊँगा फ्रेंड आप लोगों के लिए, कि हैंड को कैसे बनाया जाता है। तो हैंड की वीडियो भी आने वाली है बहुत जल्दी फ्रेंड्स। मुकुट बना दिए हैं, कुछ इस तरीके से मुकुट बन गया है। हमारे गणपति जी है वो रेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो आपको ये गणपति कैसे लगे कमेंट में बताइएगा, और कौन कौन बनाना चाहता है ये गणपति ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो ये ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।